आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग डोमेन्स इन आईटी इंडस्ट्री, दैट इज बिजनेस एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, दोनों डोमेन्स को कंपेयर करेंगे, डिफरेंट रोल्स के बारे में, डिफरेंसेस क्या है दोनों के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि दोनों सिमिलर है या फिर नहीं है। सो जैसे कि नाम ही बताता है कि बिजनेस एनालिसिस ज्यादा करके बिजनेस के ऊपर डिपेंडेड है और डेटा एनालिसिस ज्यादा डेटा ओरिएंटेड है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दोनों डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, एक में आप बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, एक में आप डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। अनदर बिग डिफरेंस इज कि जो बिजनेस एनालिसिस में जो ज्यादा करके रोल रहता है वो ज्यादा कस्टमर फेसिंग रोल होते हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, एंड जो डेटा एनालिसिस में ज्यादा रोल होते हैं वो कस्टमर फेसिंग नहीं होते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट। ठीक है, अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं, कैसे रोल्स है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बूमिंग है, अच्छी सैलरी इनमें मिल रही है, अगर उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं आई बटन में वीडियोस दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। बिजनेस एनालिसिस में ज्यादा करके रिक्वायरमेंट गैदरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, सोल्यूशनिंग करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, वो सारी चीजें बिजनेस एनालिसिस में आती है। वेयर डेटा एनालिसिस में क्या क्या आता है, डेटा एनालिसिस में कोडिंग आता है, उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स आता है, डेटा के ऊपर काम करना, डिफरेंट एल्गोरिदम्स रन करना, ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस में आती है। सो दिस इज वन ऑफ द मोर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कि ये रोल ज्यादा बिजनेस के ऊपर है, ये रोल ज्यादा टेक्निकलिटीज के ऊपर है। अभी बात करेंगे कोडिंग के बारे में, क्या बिजनेस एनालिसिस में जो रोल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रोल्स कौन से है, तो बिजनेस एनालिस्ट है, कंसल्टेंट है, तो क्या उनको कोडिंग करनी पड़ती है? नो, काफी मिनिमल या फिर नहीं कोडिंग करनी पड़ती बिजनेस एनालिसिस में। वही अगर हम लोग डेटा एनालिसिस में बात करें तो डेटा एनालिस्ट को कोडिंग करनी पड़ती है, जरूर करनी पड़ती है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट को कोडिंग करनी पड़ती है, विच इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एक डेटा एनालिस्ट का होता है। ठीक है, कि उसको प्रोग्रामिंग जैसे कि पाइथन आर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिसिस फील्ड में जा सकते हो। सो आई होप ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर अभी हम लोग ने डिस्टिंग्विश करा है तो आपको आइडिया आ गया कि बिजनेस एनालिसिस क्या है और डेटा एनालिसिस क्या है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं। ऑल्सो अगर आपको 1-to-1 मुझसे कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, टॉपमेट पे आप आपका स्लॉट बुक कर सकते हो, सो दैट वी कैन कनेक्ट टू डिस्कस योर करियर डिफिकल्टीज। टॉपमेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।